सुप्रभात पिला मैंने पूर्वकांश रे आम मैंने जल व्यवहार विषय जानी आज पढ़िया जल को प्राणी और उद्भिद किभरी भाव में व्यवहार कर जल को प्राणी और उद्भिद उभय व्यवहार करम शरीर ओजन प्राय 70% हूँ जल तरल झाड़ा हेले देहर जलीय अंश कमी जाए एणु से समय अधिक पा पीवा दि जाए तो आज गोटे परीक्षा करवा दुईट मटी कुंड नि प्रत्येक गोटे गोटे छोट गच लगा दुईटा कुंडे दुईटा गच लग तो गोटिकरे प्रतिदिन पा देव अंटे पा देवना दुई तीन दिन पर कौन देख ना दुई तीन दिन पर देखा जो गचर आम प्रतिदिन पा दौंट से गचटी सतेज अच्छे आ बचीसी कि पा पाइन कुंडर गचटी झाड़ी पड़ी मरी जाइए से आम कौन जान लें गच पा न पाइले बचना सेपरि प्राणी मान जल न पाइले बचिपारे ना तो आम जान लें गछलता पशुपक्षी मनुष्य कहीं जल बिना बचिपारे ना तेणु जलर अन्य नाम जीवन एवं तुम चिंता कर आम एत जल आम क्यों ठार पाऊ जदि जाच तेब ते लिखा तो मुखिदेची ताको देखा जल आम कौट पाऊ समुद्र पाती झरणा नाल नदी कूँ पोखर यह सब आम जल पाई कौन जलर उत्स कह जाए तो बर्तमान आम देखा आमर ये किसी चित्र आम दिखाई तो आम प्रथम चित्र कौन देखा ना भात हाँ पा गरम हुए से बाष्प होष्प उपरक उठुचे द्वितीय चित्र कौन अच्छे वृक्षलता आदि सूर्य किरण द्वारा जल बाष्प हो उपरक उठुचे तृतीय चित्र देख कौन अच्छे सूर्य किरण द्वारा जो पोखरी अच्छे पोखरीर जल बाष्प हो उपरक उठुचे चतुर्थ चित्र कौन अच्छे ना चतुर्थ चित्र आकाशे जल बाष्प हो ठंडा हो जल आकार तथा वर्षा आकार पड़ुअ आम कौन जान लें तो समुद्र नई पोखरी जल बाष्प हो उपरक उठी जाए आकाशे मेघ गठन कै से मेघर वर्षा हो वर्षा जल पृथ्वी पृष्ठ में पड़े वर्षा जल रत अंश मटी भेदी मटी तल को जाठार संचित हो रहे बाकी अंश तक नदी नाल बही जाए समुद्र में पड़े और पोखरी गाड़िया जमा ही रहे जलचक्र कह जाए आज आम ये पढ़ा आपको आम पढ़ा मन रखा।